हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं चंडीगढ़ के सेक्टर एक में चल रहे चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल में। और सबसे पहले हम चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी की तरफ से प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप चल रही है। इसमें बहुत सारे प्रिंट्स की प्रदर्शनी की गई है, उस प्रदर्शनी को हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और कवर करते हैं प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप। भाई मुझे तो देखो पहली बार पता लगा, ज्यादा लोगों को पता लग गया, पता नहीं होता। जी जी, हमें भी कॉलेज जाने तो क्या बोलते हैं टेक्निक को इसको, फाइन प्रिंट मेकिंग ऑन वुड। हां, ओके। तुम्हारे ऊपर रखा हुआ मैंने आदर रखी लाइन लग रहे थे यार, ये कलर लगा लिया आपने? हां जी, इस पे इंक लग चुकी है। अभी हम अमित का नंबर ले लेगा अमित, चल यहां पे अमित है यहां पे। हां जी, हां जी, सुनाना मैम अमित सर का नंबर। ये टूल है ना जी, ये चीज है, इसको जब हम वुड पे चलाएंगे तो ये ऐसे चलेगा और यहाँ से वुड निकलेगा, ऐसे वुड निकलेगा, ऐसे धीरे धीरे करके सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये है क्या बोलते हैं इस मशीन को? ये प्रिंट मेकिंग की है। ऐसे प्रिंट मेकिंग मशीन
प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा हाँ, प्रिंटिंग प्रेस हो गई। जैसे मैंने पहले कलर लिया हुआ है, अब इसके ऊपर मैं और कलर्स लूंगी। इसको मतलब पहले से आपने लिया हुआ है, उसके ऊपर और कलर ऐड हो जाएंगे। हाँ, लेयर्स निकाल दो। अब ये रोलर क्या करेगा, इसके ऊपर वेट देगा और वेट से वो इंक पेपर पर ट्रांसफर हो जाएगा। चलो हम ले आते हैं जाके। आगे आगे मैं जबरदस्त चीज है भैया। तो अच्छा ये था, उसको लगाने के बाद ऐसे हो गया। ये सब आपने अभी बनाया भैया? हाँ जी, अलग अलग आर्टिस्ट के हार्ड सर है। क्या बाप रे, सच में बहुत ज्यादा फाइन काम है। कितना टाइम लग जाता है अभी इसको करने में? इसको सर कलर्स के साथ होता है, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट करना है तो वो सिंपल दो दिन में भी हो सकता है। पर नहीं, काटने में कितना टाइम लग जाता है? वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है सर, प्रैक्टिस पे। मतलब बंदा एक घंटे में काट सकता है? अब ये हमारी टीचर का काम है, जो हमें सिखाते हैं। उन्होंने आप देखो कि इसको वुड को कितने अच्छे तरीके में काटा है, ये सब उससे उन्होंने कटर से काटा है। जबरदस्त, ये तो बड़ी जबरदस्त आर्ट है भाई, मैंने तो पहली बार देखी है। आज तो सच में आना सार्थक रहा है यहाँ पे। मतलब ये जितनी चीजें तो दिख जाती हैं, लेकिन ये चीज ऐसी है जो पहली बार देखने को मिली है। अच्छा, ये सब वुड के पार्ट्स हैं जो आपने काट के निकाले हैं। बाकी प्रिंट्स पीछे से डिस्प्ले। तो ये वुड ही होती है, गत्ता टाइप होता है कुछ? सर एमडीएफ बोर्ड होता है। अच्छा, मैडम का बनाया हुआ है क्या? ओके, अरे वाह यार, बिल्कुल सेम। अच्छा, तो इसके ऊपर पेंटिंग वगैरह भी, पेंट वगैरह भी करेंगे या फिर ऐसी रहेगा एज इट इज? ये एक्चुअली भैया यहाँ पर ना क्ले मॉडलिंग की डेमोंस्ट्रेशन है। अच्छा, तो वर्कशॉप में तो इतना ही होगा, फिर वो चॉइस है, इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ फाइबर ग्लास या किसी और लास्टिंग मटेरियल में। अच्छा, सीमेंट में कास्ट हो सकता है, फाइबर ग्लास में हो सकता है, पीओपी में। कौन सी मिट्टी यूज कर रहे हैं इसमें आप? चिकनी मिट्टी होती है कौन सी वाली? अच्छा, तो पूरा हाथ से बनाना है, लेकिन हाथ से बनता है, कोई टूल्स नहीं लगेंगे इसमें? ये वाले टूल लगते तो हैं। अच्छा, ये टूल्स हैं इसके, काट छाट वाले, वो टूल हाथ से बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ये सब हाथ से बनते हैं टूल्स, आते नहीं है मार्केट में? ये आते हैं पर वो फिर काम के हिसाब के नहीं ना। ओके, इसमें कुछ टूल्स हैं, जैसे ये टूल है, इसको बनाने में 4 घंटे लगे। अच्छा अच्छा, प्लान करने में। तो ये तो जस्ट लकड़ी का, पर वो लकड़ी का डंडा वैसे फिर। अच्छा 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 अच्छा, देखने से तो जब हाथ से टच करते हैं ना चीजें, नहीं जब हाथ से टच करते हैं तो पता लगता है कि क्या चीज है। रॉक गार्डन में ऐसा नहीं है, वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है वो है, कपड़े के साथ बनाया हुआ है।